Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about Project Viva questions. ये सभी के जो वाइवा प्रोजेक्ट वाइवा हैं ये सबके लिए कॉमन है, ये डिफरेंट नहीं है. मतलब कि काउंसलिंग के लिए अलग और क्लिनिकल के लिए अलग, आईओ के लिए अलग, सबके लिए कॉमन है क्योंकि मोस्टली टॉपिक इसी टाइप के पूछे जाएंगे, तो उसी से रिलेटेड आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द टॉपिक, जो आपका टॉपिक है उसका नेम आप अच्छे से और बिना डरे, आप जब क्वेश्चनिंग होगी वाइवा में तो आप बिना डरे अपने क्वेश्चंस का आंसर देना, नेम ऑफ द टॉपिक. ठीक है, व्हाई चूजन दिस टॉपिक, क्यों आपने ये टॉपिक चूज़ किया, इस टॉपिक का जो अपनी आपकी जो ये स्टडी है, रिसर्च है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब आपने लिखा हुआ है मेथडोलॉजी में, सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. आपकी हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, ये जो आपने टेस्ट किया है, रिसर्च किया है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या है, कहाँ यूज़ हो सकती हैं ये. नेम ऑफ द टेस्ट डन फॉर फाइंडिंग्स, कौन सा टेस्ट आपने फाइंडिंग के लिए किया है, अगर आपके कितने जैसे वेरिएबल्स हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, एडजस्टमेंट है, इंटेलिजेंस है, अगर ये सारे वेरिएबल्स हैं तो उसी वेरिएबल्स के बेस पर आपने अपने टेस्ट को किया होगा, रिसर्च पे जो भी यूज़ हुआ होगा, तो उस टेस्ट के लिए आपने किस टेस्ट का यूज़ किया था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है, टेल समथिंग अबाउट द दैट टेस्ट, आपने जो टेस्ट किया है उसके बारे में आप अच्छे से रीड कर लेना, कितनी स्टेटमेंट हैं, कितनी स्कोरिंग कैसे की आपने, कितनी स्केल्स थी, 1 to 5 के बीच थी या 0 to 10 के बीच में थी, या इस टाइप की स्केलिंग होती है ना, उस स्केलिंग को आप देख लेना. वाई वी डू टी टेस्ट, अगर आपने टी टेस्ट किया है तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना. वैसे ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने टी टेस्ट यूज़ किया है तभी पूछा जा सके. तो टी टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर अनोवा आपने यूज़ किया है तो अनोवा का आप प्रिपेयर कर लेना. कोरिलेशन यूज़ किया है तो कोरिलेशन आप विद फॉर्मूला आप लर्न करना है. ओके ओके. यू थिंक योर स्टडी हैज़ एनी वैल्यूएबल एडिशन इन फ्यूचर, आपने अगर टेस्ट किया है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कॉमन होते हैं, ये अंडरस्टैंडेबल होते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर हम ये दे सकते हैं कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपने खुद से प्रिपेयर किया है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो. इफ़ यू विल इम्प्लीमेंट योर रिसर्च एनी वेयर, वेयर विल यू डू एंड हाउ यू डू, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप बता सकते हो. अगर नहीं प्रिपेयर है, समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत पहले प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होता है और भूल जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ना अपना एक फॉर्मेट में लिख के प्रिपेयर कर सकते हो और आंसर आप दे देना. इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च करके ही ये क्वेश्चन वो किया है. तो रोल ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या रोल है उसका, ये सिग्निफिकेंस तो आपने डिफाइन किया ही होगा अगर आपने टेस्ट यूज़ किए होंगे, चाहे वो टी टेस्ट हो ना वा कोरिलेशन हो. ठीक है, इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विल बी सेम इन ऑल रिसर्च, ये भी आप डिफाइन करना. व्हाट आर द स्टैटिकल टूल्स यू हैव यूज्ड इन योर रिसर्च, ठीक है, स्टैटिकल टूल्स आपने कौन से यूज़ किए हैं. ठीक है, टाइप टू एरर क्या है, टाइप 1 टाइप 2 एरर होते हैं, ये सारे जो टाइप 2 टाइप 1 एरर है ये सारा आपको MPSC 005 की जो बुक है उसमें भी बहुत ईजीली मिल जाएगा. रिलीवेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये आपने लिखा ही है, अब सेकेंड चैप्टर में किया होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसमें आपको इसको डिफाइन करना है, बताना है. लिमिटेशंस ऑफ योर स्टडी, हर स्टडी का एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, तो स्टडी में हम जो प्रोजेक्ट है उसमें लिमिटेशंस लिखते ही हैं, तो उसी तरीके से अपने स्टडी के लिमिटेशंस बता देना. ब्रीफली टेल अबाउट योर प्रोजेक्ट, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है जो मिला जुला के आप जो ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको मिला जुला के आप यहाँ छोटा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो.
वाई डिड यू यूज़ पैरामेट्रिक स्टैटिक संजप्शन, अगर आपने यूज़ किया है तो आप उसको बता भी सकते हो और ये क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर लेना। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपको देखनी होगी तो आप देख सकते हो, ऊपर राइट साइड में ब्लिंक भी कर रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स आपके होते हैं, जैसे अगर आपके वेरिएबल्स में स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ आपके स्टडी में टॉपिक में यूज़ हुआ है, तो स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया, तो उन पे ऑपरेशनल डेफिनेशन आपने लिखी होगी अपने प्रोजेक्ट में, मीन्स कि अपनी लैंग्वेज में उन दोनों को डिफाइन करना होता है, तो उसी डेफिनेशन को यहाँ पूछा जा सकता है कि आपने किस तरीके से डिफाइन किया है और क्या है चीज़ें, अपनी लैंग्वेज में बताओ। सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर ये टेक्निकल वर्ड जो प्रोजेक्ट का है, ऑपरेशनल डेफिनेशन, ये भी पूछ सकते हैं। विच हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड, एक हाइपोथेसिस आप बनाओगे नहीं, दो तीन हाइपोथेसिस होती हैं, तो कौन सी हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई है और क्यों नहीं हुई है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना। द टूल्स दैट आई यूज्ड एंड द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, हर टूल्स का रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होता है, तो उसको आप मेंशन करना, और उसको किसने डेवलप किया है टेस्ट को, द नंबर ऑफ आइटम्स इट हैज़, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर बताई थी अभी, तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रिपेयर कर लेना। कॉन्क्लूजन, स्कोप, सजेशन एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, लिमिटेशन की बात हमने कर ली थी, तो कंक्लूज़न क्या निकला आपके स्टडी का, स्कोप क्या हो सकता है, सजेशन क्या दोगे आप अगर ये चीज़ रॉन्ग है या फिर आपको लगता है सही नहीं है, सजेशन क्या दोगे, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। रिज़ल्ट ऑफ द स्टडी, रिज़ल्ट क्या आया आपके स्टडी का, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। डिफाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिफाइन पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक अजम्पशन ऑफ द टी टेस्ट एंड पियर्सन, ठीक है। वाई यू चूज दिस प्रोजेक्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमें प्रोजेक्ट में ही क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे उसके प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन और इंटर्नशिप के क्वेश्चन थोड़े इजी लगे थे, तो स्टैटिकल्स में आ जाता है ना इसलिए। वाट इज़ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये आप प्रिपेयर कर लेना। और हाउ मेनी हाइपोथेसिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे भी अदर क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना अगर आपके पास हो। तो ये था प्रोजेक्ट वाइवा क्वेश्चन, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक कीजिए, अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।